देखिए मैं बोलूँ कुछ, हाँ तो आप लोग चुप हो जाइए, सब चुप हो जाइए, भी कोई नहीं बोलेगा बीच में। तो इधर के आज की जिंदगी का एक बहुत बड़ा एक पर्यायवाची वर्ड बन गया है, भागते रहो। मतलब यहाँ दुनिया में मैं आजकल देखता हूँ, मतलब हम तो जिस दुनिया से जी कर आए हैं, मेरी तो वैसे भी उम्र 160 साल है, मैं तो मैंने हस्तिनापुर भी देख चुका हूँ, लेकिन आज की ज़िंदगी में भागते रहो एक ऐसा शब्द हो गया है कि जिसको भी देखो भाग रहा है, या तो बस की लाइन बस पकड़ने के लिए भाग रहा है, या बाथरूम के लिए भाग रहा है, या अपने दोस्त को टाइम दिया वहाँ पहुँचने के लिए भाग रहा है, या ऑफिस पहुँचने के लिए भाग रहा है, टाइम पे नहीं पहुँचूंगा। ज़िंदगी आजकल भागम भाग हो गई है। तो कहानी का टाइटल इट्सेल्फ आज के टेस्ट पर है कि भागते रहो। अब इसमें इस स्टोरी में कितना भागना है कितना भागना नहीं है वो मैं भी फिल्म देख के बताऊंगा, क्योंकि मैंने फिल्म देखी नहीं अभी तक। बट मेरे बहुत नज़दीकी दोस्त हैं सुनील तिवारी करके, जो मेरे साथ पिछले, मैं समझता हूँ कि मेरे महाभारत काल के पहले के काल से जुड़े हुए हैं। ये हमारे सुनील तिवारी हैं और इनके साथ हमने सीरियल भी की थी, हमने एक फिल्म भी की थी, देवता सीरियल भी की थी, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी थे शायद। उनके भाई हैं प्रफुल्ल, कहाँ हैं प्रफुल्ल, तो प्रफुल्ल हैं जो जिन्होंने ये फिल्म की मुझे अप्रोच किया था, लेकिन मैं कर नहीं पाया ये फिल्म, लेकिन मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, मेरी शुभकामनाएं जुड़ी हुई हैं, मेरे आशीर्वाद जुड़े हुए हैं। मैंने इनको कहा आप बनाइए, मेरा विजयी भव का आशीर्वाद आपके साथ है। और मैं समझता हूँ कि सब कलाकारों, जब जितने भी नए कलाकारों ने मेहनत की है, और फिल्म जो आज का जॉनर है, जो आज के टाइम से जिस तरह से हम कहते हैं कॉमेडी भी होना चाहिए, रियलिटी भी होना चाहिए, तो मैं यही कहूँगा विजयी भव, और आज ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, इनको मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत प्रश्न भी फिल्म से जुड़े पूछ सकते हैं आप। नहीं, ये सब लोग मेरे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, अभी से कहाँ जुड़े हुए हैं लोग, ये देखो पिछले वो कहाँ खड़ा है बीच में, वो 25-30 साल से जुड़ा हुआ, कहाँ गया वो, तांबे। हाँ सर, तो मुझे इसके अलावा आपको अप्रोच किया गया था इस फिल्म के लिए, ना बोलने की कोई खास, ना बोलने की वजह ये थी कि मैं इस वक्त चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का चेयरमैन बन चुका था, मेरे सर पर 260 फिल्में थी और नई फिल्में बनानी थी, इस वक्त इन्होंने अप्रोच किया। तो मैं वैसे भी बहुत चूजी हूँ, मतलब आपको पता होगा कि मैं हर फिल्म में नहीं दिखूँगा आपको, मेरी बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, दाढ़ी नहीं लगाऊँगा, विलन नहीं बनूँगा, रोमांटिक सीन नहीं करूँगा, सो इतने किंतु परंतु है ना कि मुझको साइन करना बहुत मुश्किल है। और फिर शक्तिमान एक बार फिर से शुरू होने की योजना चल रही है, तो फिर इस वक्त ऐसा वक्त है, मैंने कहा देख भैया सुनील तुम फिल्म बनाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मैं कर नहीं सका। बट शायद मेरी आवाज़ इसमें कहीं ना कहीं आपको सुनाई देगी, मैं वॉइसिंग करूंगा शायद इस फिल्म। इसके अलावा सर आपने जिक्र किया कि शक्तिमान फिर से आने वाला है, तो क्या नए कैरेक्टर्स उसमें ऐड किए जाएंगे और आप उसमें अभिनय करते दिखाई देंगे? मेरी यही दुविधा है पुत्र कि मैं अक्षय कुमार को शक्तिमान नहीं बना सकता, मैं शाहरुख खान को शक्तिमान नहीं बना सकता, मैं चाहूँ तो सलमान खान को, बिकॉज मेरी इमेज आज भी शक्तिमान से इतनी जुड़ी है कि मैं आज भी गाँव में जाता हूँ तो कहीं ना कहीं बच्चा मेरे को मिलता है, बोलता है एक किलविश कब मरेगा, तो मुझे बोलना पड़ता है मरेगा। सो दे आर वेटिंग फॉर सिंस अबाउट मे बी, मैंने 3 साल पहले कह दिया था कि मैं शक्तिमान लेकर आ रहा हूँ, तो शक्तिमान लाने के पीछे मेरी योजना नई नहीं है, पर इतना मैं कह दूँ कि मैं शक्तिमान ला रहा हूँ तो मैं जैसे महाभारत के बाद महाभारत लाई गई थी और अपने हिसाब से सब कुछ चेंज किया गया था, आत्मा बदल दी गई थी, शक्तिमान की आत्मा नहीं बदलेगी, शक्तिमान की आत्मा वही की वही रहेगी, वही शक्तिमान होगा। मुकेश खन्ना, मैंने अपना वज़न कम किया है, 15 kg कम किया है मैंने, मुझे निभाना पड़ रहा है क्योंकि आज भी मैं देश के सैकड़ों स्कूलों का मैं अभी भी इनॉग्रेशन करता हूँ, पिछले 2 महीने में 8 स्कूल में बिहार में करके आया हूँ, जहाँ स्कूल का या तो बच्चे मिलना चाहते हैं या सो कहीं ना कहीं मुझे करना पड़ रहा है। बट आई वुड टेल यू कि डिफरेंस होगा, विलन्स में डिफरेंस होगा, वही गंगाधर रहेगा, वही गीता विश्वास रहेगी, वही किलविश रहेगा, पर किलविश के बाशिंदे बदलेंगे। और होता था ज़माने में, मैं उनसे कहता था सिट टॉलेस्ट स्टैंड टॉलेस्ट एंड वॉक टॉलेस्ट, पहला मंत्र था। आज के बच्चों को मैं कहता हूँ इस फ़ोन से बाहर निकलिए, ये जो व्हाट्सअप, ये चिट चैट और ये जो घुस गए हैं इतने वर्चुअल मीडियम से, इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। सो ये भी एक समस्या है, तो इस तरह की समस्याएँ आज के ज़माने की होगी, स्पेशली मेरी जिम्मेदारी अभी उतनी ही बड़ी है जितनी 97 में थी, 7 साल दूरदर्शन पे चला। किलविश आ रहे हैं जी, किलविश
वेरी गुड, आने वाले हैं जी। कितना एक्साइटेड है क्योंकि कॉमेडी जॉनर भी है फिल्म का, आप जो है कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। हाँ एक्साइटेड तो अभी मुकेश जी ने बताया है जो भागम भाग के बारे में, भागते रहो मतलब ज़िंदगी में भागना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर घर में बैठे रहेंगे तो फिर तो कुछ बनेगा नहीं, हर चीज़ के काम के लिए भागना, भागम भाग जो बॉम्बे की मुंबई हो गया है, यहाँ की जो भाग दौड़ है भागम भाग है, तो भागना तो पड़ेगा नहीं। लेकिन इस फिल्म में जो मैं जुड़ा हूँ, सुनील जी, प्रफुल्ल जी, इन्होंने मुझे अप्रोच किया, FIR देखा हुआ था इन्होंने मेरा, तो इन्होंने बुलाया। सुनील जी ने भी एक करेक्टर है दिनेश सिंह जी और राजपाल यादव जी के साथ, तो कैरेक्टर बनाया इन्होंने, बढ़िया कॉमेडी है। इधर हो तुम, देख के बहुत मज़ा आएगा, मतलब इसमें डाउन टाइप है, पहली बार कर रहा हूँ लाइफ में मैं ऐसा जो डाउन बना है, लेकिन गेटअप भी बहुत अच्छा है, लिखा बहुत अच्छा है इन्होंने सुनील जी ने, मज़ा आएगा आपको देख के सबको, बस यही कहूँगा मैं। मेरा नाम रिया दीपसी है, मैं आप मुझे गुनगुन के किरदार में देखेंगे, तो इस हीरोइन है और आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। मैं जो मजेदार You will enjoy it. बाकी तो काफ़ी सारे लोगों ने बता ही दिया मूवी के बारे में, इस मूवी में सब भाग ही रहे हैं, एवरी वन इज रनिंग एंड पड़ा। हाँ, शुरू में थोड़ा सा करेक्टर के हिसाब से उनका सिलेक्शन, फिर उनकी वर्कशॉप, फिर वो करेक्टर में सुटेबल थे, फिर उनसे काम करवाया जो मैं चाहता था और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो कुल मिला के इन सबकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी बैठी कि बहुत कोई ऐसा लगता ही नहीं एक्टिंग कर रहा, सब नेचुरल लग रहे हैं। तो जैसे मैंने पूछा था आपको कि फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए, अगर हिंट देना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा एकदम, ये 8-9 लोगों की कहानी है जो नकारा है, निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं हैं और उनके पास कोई मकसद नहीं है, लेकिन जोश है तो होश नहीं है, दिशा नहीं है। तो एक आदमी है वो उनसे बड़ा निकम्मा है, वो भी किसी काम का नहीं है, उसे कहीं से बाहर निकाला जाता है और वो इन लोगों को देख के एक टीम बनाता है टू डू समथिंग, और बाद में पता लगता है कि उन्होंने उसकी बैंड बजा दी और वो बोलता है भाई आज के बाद तुम मेरे को मिलना मत, और फिर किस तरह से कहानी एक मिशन से जुड़ती है एंड दे बिकम द पार्ट ऑफ मिशन, और ये सब लोग ये यूनिटी जुड़ती है एंड दे आर सक्सेसफुल। कलाकारों को और सभी इसके जो डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रफुल्ल तिवारी जो मेरे बहुत ही जानकार, सुनील तिवारी उनके छोटे भाई हैं जो कई सालों से मेरे साथ जुड़े हैं, शक्तिमान के पहले से, महाभारत के भी पहले से जुड़े हैं, और मैं इस फिल्म में काम नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था, मैं चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में ज़्यादा बिजी था। ये फिल्म एक बहुत ही एक ज़रूरी टाइटल है जो आज की ज़िंदगी को बताता है कि कुछ नहीं हो तो भी भागते रहो, मतलब आपको पता नहीं क्यों भागना है पर सामने वाला आदमी भाग रहा है तो मुझे भी भागना चाहिए, हो सकता है कि उसको कुछ मिलेगा तो मेरे को नहीं मिलेगा तो वो भी भागता है, भागता भागता। आज के बच्चों को मैं खासकर बोलता हूँ मत भागिए, रुक जाइए, अपने आप को देखिए, अंदर देखिए, बट सब लोगों को डर रहता है कि कुछ मिस करेंगे, वहाँ पहुँचते तो मालूम पड़ता है पता ही नहीं किसके लिए आए हैं। सो दिस इज़ रियल लाइफ, और इस कहानी में कॉमेडी है, इस कहानी में जो कैरेक्टर्स हैं जिनको भागना पड़ता है किस चीज़ में, तो कॉमेडी है ये है, तो मैं अपनी तरफ से आशीर्वाद बोल सकते हैं कि 100% आजकल की फिल्में आजकल के लोगों के हिसाब से ही बन रही हैं, आजकल के लोगों को अपनी कहानी समझ में आ रही है, इसमें कॉमेडी के थ्रू में आजकल आप बहुत कुछ यथार्थ बात कह जाते हैं, तो मैं विजय भाव का आशीर्वाद देना चाहूँगा उनको। ओके, इसके अलावा शक्तिमान आने वाला है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हर बच्चा मुझसे पूछता है किलविश कब मरेगा, मुझे आगे किलविश को मारना है तो मैं आऊँगा। राजपाल यादव, सुनील पाल,
एंड हु एल्स वाज देयर, ऑल द एक्टर्स. Film producer and director have taken a very good initiative, like bringing a new film, introducing a new actor also. How you see this? It should be a great success. Thank you so much. के इस फिल्म के इस ट्रेलर लॉन्च में हम हैं. अगर मैं कहूं कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य साथ में हैं, या ये कहूं कि शक्तिमान और किलविज, आपको जो पसंद आए समझ लीजिए, क्योंकि ये आदमी द्रोणाचार्य के रूप में अच्छा था और किलविज के रूप में बिगड़ गया है. पर शक्तिमान वही है, भीष्म पितामह वही है. मैं इस फिल्म के लॉन्च में फिल्म वालों को, जिन्होंने फिल्म बनाई है, जिन्होंने मेहनत की है, सभी एक्टरों को जो इस फिल्म में भागते जा रहे हैं, मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा. प्रफुल ये बहुत ही काबिल डायरेक्टर है, टीवी से और टीवी सीरियल से मेरे साथ 25 सालों से जुड़ा हुआ है. मार्शल में थे तुम? हाँ, मार्शल अधिकारी ब्रदर्स के साथ जब मैंने मार्शल की थी उस वक्त ये मार्शल में था. और ये इनके भाई हैं सुनील तिवारी, जिनके साथ मैंने एक सीरियल बनाई थी जिसका नाम देवता था, और एक फिल्म शुरू की थी हमने जो नहीं बन सकी आखिर, पैंथर. तो इनके भाई हैं और मैं समझता हूँ कि अच्छी फिल्म बनाई होगी इन्होंने, क्योंकि मैं इस फिल्म को जुड़ नहीं सका एज एन आर्टिस्ट. इन्होंने मुझे अप्रोच किया था लेकिन मैं उस वक्त चेयरमैन केवल JFSI में मैं बिजी था, तो मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और ये मेरी शायद आवाज़ भी इस फिल्म में अपने साथ रखना चाहते हैं. सो मेरा आशीर्वाद है प्रफुल के ऊपर, सक्सेसफुल बनो क्योंकि आज के ज़माने की फिल्म बनाई है मैंने. इस फिल्म के डायरेक्टर, इस फिल्म के प्रोड्यूसर सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा इनकी फिल्म दिल दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और बहुत बड़ी सुपरहिट हो. इसके अलावा और मैं क्या कह सकता हूँ, विश हिम ऑल द बेस्ट. पवन जी भविष्यवाणी कीजिए. भविष्यवाणी करिए. मेरी भविष्यवाणी यही है कि फिल्म सफल होगी, आशा की सफलता प्राप्त करेगी. और जब स्वयं भीष्म पितामह ने और आचार्य द्रोण ने आशीर्वाद दे दिया तो उसमें कोई संदेह ही नहीं कि सफल होगी होगी. लाइट होती है तो वो उजाले की तरफ आती है, किलविज के अंधेरे की तरफ नहीं रहती. खुद की एडवर्टाइजमेंट की है जिन्होंने अभी अभी. ये समझ गया, ब्राइट किया उनको, सालों से जानता हूँ. मेरे को जरूरत नहीं हटगा लेकिन फिल्म को ब्राइट किया. जिस तरह से इस फिल्म के किरदार भाग रहे हैं, आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा कि इस तरफ राजनीति के मंच पर सब लोग भाग रहे हैं. पता नहीं कहाँ जाना है लेकिन वो भी भाग रहे हैं. भागते रहो, पकड़ लो, कहीं वोट जाना नहीं चाहिए. तो ये बहुत ही डेफिनेटली एक बहुत ऐसी जगह पर हमारा देश आया है जहाँ पर राजनीति जो है हस्तिनापुर की राजनीति से भी ज़्यादा खराब हो गई है, मैं ये कहना चाहूँगा.